कांग्रेस के पूर्व देशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर एक बार फिर राजनीति में सक्रिय नजर आने लगे हैं। हरियाणा के रादौर पहुंचे तंवर ने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस व बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों पर बीजेपी व कांग्रेस पर हमलावर तंवर ने कहा कि आज ये दोनों बड़े दल आपस में मिल गए हैं और जनता को मूर्ख बनाकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही किसानों पर ये तीन काले कृषि कानून थोपे गए हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता इनकी चालाकियों को समझने लगी है और इनका पर्दाफाश हो चुका है। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता जिस भी पंचायत उम्मीदवार को आगे करेगी उसका समर्थन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात है कि जनता बीजेपी को हराना चाहती है लेकिन कांग्रेस बीजेपी को जितवाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ये एक अच्छा संकेत नहीं है जब सत्ता व विपक्ष आपस में मिलकर जनता का मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे में जनता प्रदेश में नए विकल्प की ओर देख रही है ताकि इन दोनों दलों को आईना दिखाया जा सके। आज तंवर ने जनता को आगे रख प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज कर दी है। कुछ इसी तरह की चर्चाएं बीते दिनों बीजेपी से इस्तीफा देने वाले रादौर के पूर्व विधायक राणा भी बातों बातों में कर चुके हैं। खैर अब देखना होगा कि आगामी दिनों में प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। रादौर से संवाददाता कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। मंडियों की व्यवस्था होती थी वो खत्म करने की कोशिश है। MSP PDS जो सिस्टम था उसको खत्म कर देंगे आने वाले समय में और इसीलिए किसान और आमजन वो सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। लेकिन हुआ क्यों, ये किसके इशारे पर है, ये एक गहरी साजिश समझने की जरूरत है। और गहरी साजिश ये है कि महापूंजीपतियों के इशारे पर भ्रष्ट जो नेता हैं कांग्रेस और भाजपा के वो मिलकर के इस तरह के कानून बनवा रहे हैं। हमारा तो जो वहाँ के लोग फैसला करेंगे उनका हम साथ देंगे, अच्छे के लिए अगर वो होंगे। मैं तो उनको गाँवों में जाकर घूम घूम के कह के भी आया हूँ कि भाई जो आप फैसला करो मुझे बता देना, मैं आपको कन्विंस करूंगा, हम वाद संवाद करेंगे, या तो आप मुझे कन्विंस कर देना या मैं आपको कन्विंस कर दूंगा। ये जो दोनों पार्टी है ये मिली भगत से आपका शोषण करने में लगी हुई है और शोषण की व्यवस्था के खिलाफ एकजुट हो जाओ, पंचायती उम्मीदवार अच्छा उम्मीदवार लेकर के आओ ताकि इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को हम मिलकर के आगे बढ़ा सकें। ताज्जुब की बात वहाँ पर यह है कि जनता बीजेपी को हराना चाहती है, गठबंधन को हराना चाहती है और कांग्रेस बीजेपी को जिताना चाहती है। तो आप मामला समझ सकते हैं कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है और ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए कि जो मेन दो पार्टियां हों वो एक दूसरे से मिलकर के एक दूसरे की मदद करें, चुनाव लड़ें, लोगों को गुमराह करें और भली भाली जनता उनके इस मकड़ जाल में फंस जाए। मतलब मानते हैं कि तीसरा मोर्चा जरूरी है? नहीं, ये तो लोग चाहते हैं कि इनके अलावा, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा है। मजबूरी में जब दो ही लोग होंगे मैदान में तो दो पहलवान होंगे तो एक का तो समर्थन आपको करना पड़ेगा। चार पहलवान खड़े कर दो, पांच कर दो और बढ़िया मजबूत लोग लेके आओ, अच्छा पहलवान तैयार करो। अभी तो समय है और जब वो तैयार होगा तो लोग उसको वो करेंगे। ये जो जिन्होंने देश का पूरी इस सिस्टम को खोखला कर दिया, जो धीमे की तरह देश को चाटने में लगे हुए हैं, जो महापूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रहे हैं, उनको क्यों बर्दाश्त करेंगे लोग? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.